मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, या मैं आपसे मिलने के लिए मरे जा रहा हूँ, या मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, या मैं आपसे मिलने के लिए बेकरार हूँ। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि लॉन्गिंग फॉर का इस्तेमाल क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम लॉन्गिंग फॉर को कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत मजेदार कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस जरूर बोलते होंगे जहाँ आपको लॉन्गिंग फॉर का इस्तेमाल करना ही होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लें कि सब्जेक्ट के साथ इजारम, उसके बाद लॉन्गिंग फॉर प्लस नाउन या कोई जीरंड का इस्तेमाल करते हैं जब हमें ये कहना हो तड़प रहा है, मरे जा रहा है, बेकरार है या तरस रहा है। जैसे मैं उससे मिलने को तड़प रहा हूँ। मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकता हूँ, मैं उससे मिलने को मरे जा रहा हूँ, या मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकता हूँ, मैं उससे मिलने को बेकरार हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे। आप लिखेंगे आई, यानी आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे लॉन्गिंग फॉर, उसके बाद या तो आपको एक नाउन लिखना होगा या तो एक जीरंड। अगर वर्ब आया हो तो आप उसको आईएनजी फॉर्म में लिखें, यानी जीरंड के शक्ल में लिखें, और अगर नाउन हो तो फिर आप उस नाउन को लिखें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मिलना, यानी यह एक वर्ब है तो आप इसे जीरंड के शक्ल में लिखेंगे। आप लिखेंगे मीटिंग, और उससे यानी हर, मैं उससे मिलने को तड़प रहा हूँ तो आप कहेंगे आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हर। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि यह बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो वह अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहा है, या वह अंग्रेजी बोलने के लिए बेकरार है, या तड़प रहा है, या मरे जा रहा है, तो आप कहेंगे ही इज लॉन्गिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहा है या मरे जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो तुम खाने के लिए मरे नहीं जा रहे हो, तुम खाने के लिए तड़प नहीं रहे हो, तो आप कहेंगे यू आर नॉट लॉन्गिंग फॉर ईटिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो तुम क्रिकेट खेलने के लिए मरे नहीं जा रहे हो, या तुम क्रिकेट खेलने के लिए तड़प नहीं रहे हो, तो आप कहेंगे यू आर नॉट लॉन्गिंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो तुम टीवी देखने के लिए मरे नहीं जा रहे हो, या तुम टीवी देखने के लिए तड़प नहीं रहे हो, तो आप कहेंगे यू आर नॉट लॉन्गिंग फॉर वॉचिंग टीवी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह कंसेप्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई इस कंसेप्ट को आपने समझा तो क्या इस टॉपिक से रिलेटेड 3 सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 3 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।